दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर थंबनेल देखकर आए हो, सो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन से पहले इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हो रही है जो कि कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है। आखिरकार इस तरह की रील आप अपने फोन से क्रिएट कैसे करें, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऐसे रील अपने फोन से बना सकते हैं, अपने फोन से क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो उसे एक लाइक जरूर कर देना और चलते चलते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइज, अगर आपके पास काइन मास्टर है तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर की एप्लीकेशन में चले जाना है। काइन मास्टर की एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको चूज़ करना है, रेसो चूज़ करना है 9.16, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स के लिए 9.16 ही रेसो चलता है, जो कि हमने एक पहले से ही अपना प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। सो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक करके दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों आपको अपने मोबाइल से एक क्लिप ले लेनी है जो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। क्लिप लेने के बाद में आपको कुछ ऐसे रुकना है, लास्ट में कुछ ऐसे रुकना है। रुकने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ से क्लिप लेना है। क्लिप लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है कैप्चर एंड सेव, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ से हो जाना है बैक। सो दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की और ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है दोस्तों पिक्स आर्ट। दोस्तों इसमें आपको प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों इस पर साइनअप करना है। जैसे ही आप साइनअप कर लोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद में दोस्तों आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और एडिट फोटो पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, आपने जो भी आपने वहाँ से कैप्चर फोटो किया होगा उसको आपको यहाँ पर लेके आ जाना है। जैसे कि मैंने ये फोटो यहाँ पर कैप्चर किया था, उसको मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ। इसको दोस्तों कर देना है आपको कट और मैंने यहाँ मेरा फोटो आ गया है ये। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इफेक्ट्स पर चले जाना है। इफेक्ट्स पर जाने के बाद में आपको एक टेम्पलेट यूज़ करना है। सो दोस्तों, इसके बाद आपको स्केच पर चले जाना है। स्केच का ऑप्शन आपको ये दिखाई दे जाएगा। स्केच पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चले जाना है। सबसे पहले स्केच आ जाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। इसको आपको सेट बैठाना है। जैसे कि मैं इसको सेट बैठा देता हूँ, ये जैसा जैसा है बिल्कुल ऐसे ही आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपको बैठा देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक, जैसे ही आप ब्लैक करोगे इसको, आप देख लेना ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको आपको इरेज कर देना है। जैसे कि मैं इसको फालतू सामान इसका इरेज कर देता हूँ, जो भी आपके सामने आपको दिख रहा है। सो मैंने इसको कर दिया इरेज। इरेज करने के बाद में इसको करेंगे आप डन। डन करने के बाद में आपको कर देना है इसको डन। डन होने के बाद में आपको दोबारा से चले जाना है एफएक्स पे। एफएक्स पे जैसे ही आप इफेक्ट्स पे जाते हो आपको चले जाना है मैजिक पर। मैजिक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको चले जाना है सबसे लास्ट में, आपको पहुँच जाना है और ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है और आपको थोड़ा नॉर्मल कर देना है, जैसे कि मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है। ये करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये करने के बाद में आपको इसको कर लेना है सेव। यहाँ से इसको कर देना है सेव, इसको कर देना है कट और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है, जैसे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो आपके सामने बार बार ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, आपको उसको कट करते जाना है। सो ये हो चुका है हमारी गैलरी में डन सेव। अब आपको इसको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी गैलरी में ये कैसा आपको शो हो रहा है। सो मैंने अपनी गैलरी की ओपन और मेरे सामने कुछ ऐसा ये शो हो रहा है। सो मैं एक काम, अब दोस्तों आपको उसका बैकग्राउंड इरेज करना है। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको टाइप करना है bg remover। जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपको साइट पर इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। सो दोस्तों, इस यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके ये गैलरी में आपको रिडायरेक्ट कर देगा और आपने जो भी आपने अभी फ़ोटो आपने कैप्चर की है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने ये फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लिया, इस पर आप डन करेंगे
और जैसे ही डन करेंगे आपका बैकग्राउंड इरेज करके यहाँ पर आ जाएगा। सो जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि दोस्तों हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप डाउनलोड करने के बाद में आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में दोस्तों आपको एक काम और करना है, आप जैसे दोबारा से गूगल पर जाओगे वहाँ से आपको एक और चीज़ डाउनलोड कर लेनी है, GTA बैकग्राउंड इमेज। GTA बैकग्राउंड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये करके मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखा दूँ। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में इसको आप यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में दोस्तों इस पर चले जाना, यहाँ से चले जाना है बैक। अब दोस्तों आपको एक और एप्लीकेशन की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों फिक्सा लैब। में जैसे ही आप एंटर करोगे ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको अपनी न्यू टैब पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से चूज करोगे आप इसका साइज में आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसका साइज जैसे चूज करोगे यहाँ पर आपको स्क्वायर में रखना है, प्रोफाइल स्क्वायर में रखना है। सो मैंने किया डन और प्लस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी अपना बैकग्राउंड लिया है उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, मैंने ये बैकग्राउंड अभी डाउनलोड किया है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ इतना और इसको यहाँ से कर देता हूँ ऐसे। अब मैंने इसको किया डन, अब मेरा बैकग्राउंड ये आ गया है। अब इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे से आपको उसको फिट बैठा लेना है, जैसे कि मैंने इसको लिया फिट बैठा। यहाँ पर जैसे ही आपको फिट बैठ जाए अब आपको प्लस आइकन पर दोबारा से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोबारा से आपको जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखी है वहाँ से आपको फ़ोटो आपको चूज़ कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने ये फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर ली और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, इसका आप साइज छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। मैंने किया इसको यहाँ पर डन और ये देख लो दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और काम करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है GTA। दोस्तों मैंने पहले से ही PNG में उसको डाउनलोड किया हुआ है, आप जाकर गूगल पर जाकर उसको सर्च कीजिए GTA डाउनलोड PNG, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने दोस्तों पहले से ही इसको डाउनलोड किया हुआ है। दोस्तों मैं इसको लगा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मेरे सामने ये आ गया है यहाँ पर। अब इसको हम कर देते हैं डन, तो हमारा फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको दोस्तों उसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है और सेव गैलरी पर क्लिक कर देना है। आपका फ़ोटो बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों हम अपने दोबारा से अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में आ चुके हैं। आपको क्या करना है, दो बार जो आपने वो रील्स ले रखी है, जो आपने क्लिप ले रखी है, आपको उसको प्ले कर देना है। जैसे कि मैं इसको प्ले करके देख देता हूँ। जैसे ही आप प्ले करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो भी आपने फ़ोटो बनाया है वो यहाँ पर मीडिया पर जैसे क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ। दोस्तों आज इसके बाद आपको इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले से ही एक वीडियो डाउनलोड की हुई है, मैं उसका यहाँ पर बैकग्राउंड यूज़ करने वाला। मैंने पहले से ही एक वीडियो डाउनलोड की हुई है बैकग्राउंड के लिए, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको लेके आ जाना है लाइन पर क्लिक करके। और यहाँ पर क्लिक करते ही जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और आपको सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑडियो एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अभी हमारी वीडियो अच्छी तरीके से हुई नहीं है। Oh,
सो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद में आपके सामने वीडियो कुछ ऐसे आपको दिखाई दे जाएगी। वीडियो पूरी होने के बाद में आपको दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप रेशो चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना और मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरी फाइल एक्सपोर्टिंग हो रही है, मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखाने वाला हूँ जो कि मेरी गैलरी में सेव हो गई है। अब दोस्तों इसको यहाँ से प्ले करेंगे, मैं इसको आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर मैक्स प्ले पर क्लिक किया और जहाँ पे भी मेरी वीडियो होगी मैं आपको वहाँ से इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। और वीडियो चलते चलते आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो डलती रहती हैं। सो मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।